जी, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का क्या उद्देश्य है? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन उद्देश्य है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले दो दिन पहले गोरखा भवन में मीटिंग किया था, उसके बाद इमीडिएटली जो डीआई सर के पास हम लोगों ने जो लेटर दिया था, डेपुटेशन दिया था, उनके द्वारा आज 12 बजे जो है गार्जियन जयगांव स्टूडेंट गार्जियन फोरम और जो जयगांव का जो इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन है और साथ में HHMB स्कूल के साथ DI और ADI सर के साथ एक मीटिंग रखा गया था 12 बजे, उसी सिलसिले में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इस मीटिंग में क्या आप लोग क्या बात हुआ है? इस मीटिंग में आज बहुत सारी बातें हुई, फ्रूटफुल बातें हुई, जैसे कि हम लोगों ने जो हम लोग का जो मुद्दा था 50% डिस्काउंट का, उसी सिलसिले में बात हुई और उसके रिप्रेजेंटेटिव करते हुए जैसे प्राइवेट स्कूल के प्रेसिडेंट एसोसिएशन के जो एसोसिएशन है के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी गए थे और HHMD स्कूल के दो रिप्रेजेंटेटिव गए थे और हम लोग जो जयगांव स्टूडेंट गार्जियन फोरम के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं हम लोग गए थे और वहाँ हम लोगों ने जो मांग रखी थी 50% डिस्काउंट के लिए उसके बारे में बात की गई और कड़ी शब्दों में हम लोगों ने ये अभी जो पेंडेमिक का समय है इस समय में जयगांव वासियों के पास जो आर्थिक अवस्था बहुत ही ख़राब है, इसके लिए डिस्काउंट चाहिए, ये मुद्दे पर हम लोगों ने सारी बातें DI सर ADI सर को बताई थी और इसी सिलसिले में सर ने भी उन लोगों से ये सारी बातें जो कही और डिस्काउंट के लिए उन्होंने भी बोला कि होना चाहिए क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसा है। और साथ ही साथ DI सर ने ये भी कहा कि जो अभी आने वाला दिन में जो एग्ज़ाम हो रहा है बच्चों का, जो एनुअल एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम में कोई भी बच्चे का फीस के लिए एग्ज़ाम ना रुके, ये क्लियरली उन्होंने बोला और हम लोगों ने भी इस बात पे जोर दिया। तो गार्जियन, कोई भी गार्जियन इसके लिए ना डरे कि उनके पास अगर फी नहीं दे पाएंगे तो बच्चे उनके एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ये डरने का बात नहीं है, सभी बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। इस मीटिंग में कोई डिसीजन कुछ हुआ कुछ आप लोगों का? इस मीटिंग में जैसे जो कि मेन डिसीजन मेकर जाना चाहिए था तो डिसीजन मेकर नहीं गए थे, नहीं जाने के कारण आज डिसीजन नहीं आया। DI सर और ADI सर के द्वारा 7 दिन के अंदर इसको ये जो डिसीजन है इसको लाने के लिए जो इंग्लिश स्कूल प्राइवेट इंग्लिश स्कूल के जो प्रेसिडेंट है उनको उन्होंने दायित्व दिए हैं कि 7 दिन के अंदर ही इसका जवाब चाहिए और इसको गार्जियन फोरम के साथ मिलकर इसको समाधान करें, नहीं तो आगे वो कड़ी एक्शन लेंगे। ऐसा कोई नोटिस, कोई सर्कुलर कुछ है इसके विषय में कोई ऑफिस से वहाँ से आया है? आज सर्कुलर नहीं दिए हैं उन्होंने, वहाँ पे जो मीटिंग में फॉर्मली ही ये सब बात। और आने वाले दिनों में आप लोग क्या करने वाले हैं? 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है, आप लोग क्या करने वाले हैं? ये 1 सप्ताह के अंदर हम लोग चाहेंगे कि स्कूल जो जयगांव के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सभी आगे बढ़ के आए और गार्जियन फोरम के साथ बैठ कर जो डिस्काउंट का जो हम लोग का डिमांड है उसके बारे में बात करके इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम प्रीतम गजमेर है, मैं जयगांव स्टूडेंट गार्जियन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ और इसके साथ ही मैं सभी जयगांव में जितने भी गार्जियंस हैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जो पेरेंट्स फीस नहीं दे पा रहे हैं अभी, वो ना डरें, उनका एग्ज़ाम नहीं रोका जाएगा, वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, ये बहुत अच्छी खबर है और ये DI सर की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। अब पाए बड़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतों से छुटकारा, साथ ही प्रदूषण से भी मुक्ति, ना रजिस्ट्रेशन ना लाइसेंस की जरूरत, अब चलाए टेंशन फ्री। आपके शहर जयगांव में पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम BM मोटर्स, जॉय ई बाइक के अथोराइज्ड डीलर, संपर्क करें BM मोटर्स
एनएस रोड अपोजिट वेद व्यास स्कूल जयगांव। कॉल 9733412216 9933533659।